गुड मॉर्निंग एवरीवान सो एज यू नो दैट ऑलरेडी वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक एनर्जी बैंड्स एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स को हमने फिनिश कर दिया है और एनर्जी बैंड डाइग्राम ऑफ लेकिन वी हैव स्टडीड उसके बाद जो ये डेफिनीशन्स थी वो भी हमने फिनिश कर ली हैं एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दिस वन इज़ रिलेटेड विद एनर्जी बैंड गैप सो एनर्जी बैंड गैप शुड बी क्लियर टू यू तो एक बार हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि जो हमारे पास डायग्राम था वन डायग्राम आई एक्सप्लेन यू कि उस डायग्राम में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे नीचे जो बैंड होता है दैट इज़ वेलेंस बैंड और उसके ऊपर यहाँ पर होता है कंडक्शन बैंड और इन दोनों के बीच में जो गैपिंग होती है दिस इज़ नोन एज एनर्जी बैंड गैप तो आपको पता है कि सबसे पहले जो बैंड फिलअप होना स्टार्ट होता है वो बैंड होता है वैलेंस बैंड सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और जब ये फिल्ड हो जाता है या फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास किसी सोर्स से एनर्जी आती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर सकते हैं ओके तो इसका मतलब कि जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड होता है जो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होता है वो वैलेंस बैंड लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है दैट इज़ लो इन कंपैरिजन टू कंडक्शन बैंड ओके उसके बाद कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड के बाद में फिलअप होना स्टार्ट होता है क्योंकि वैलेंस बैंड के ही इलेक्ट्रॉन किसी रीज़न से उनको टेम्परेचर मिल जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दे कि वो बैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकें तो देन इट कैन जंप फ्रॉम बैलेंस टू कंडक्शन बैंड तो कंडक्शन बैंड वो बैंड है जो इलेक्ट्रॉन्स से फिल्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है वो फ्री होते हैं वो कंडक्शन करा सकते हैं और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है जिसमें कोई भी अलाउड एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कहलाता है एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी गैप तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एनर्जी बैंड गैप ही ये डिसाइड करता है कि द गिवन मटेरियल विल कम इन विच टाइप ऑफ कैटेगरी किस टाइप की कैटेगरी में आएगा तो एज ऑलरेडी इट इज़ मैंशनड हेयर कि ये जो थिकनेस है ये थिकनेस अगर कम है दोनों लेवल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो इसका मतलब कि बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड है ये जो थिकनेस है एनर्जी बैंड गैप की दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड तो अगर थिकनेस कम है तो इसका मतलब कि नेचुरली इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस कंडक्शन बैंड में जम्प कर सकते हैं आसानी से अगर थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जम्प फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड या ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी या कोई ज़्यादा पावरफुल सोर्स है जो उनको वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जम्प कराए तो इसका मतलब कि द मटीरियल विल मूव टूवर्ड्स द कैटेगरी ऑफ इंसुलेटर्स अगर थिकनेस कम है तो किस कैटेगरी की तरफ आएगा मेटल्स की तरफ कंडक्टर्स की तरफ तो ये जो बैंड गैप है इसकी जो एनर्जी रेंज है वो डिसाइडेड है कि मेटल्स के लिए कितनी एनर्जी रेंज होनी चाहिए उसके ऊपर कितनी एनर्जी रेंज है जहाँ से शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं सेमी कंडक्टर्स की तरफ और इसी तरह से कितनी एनर्जी रेंज चाहिए है उनको इंसुलेटर्स वाली कैटेगरी में आने के लिए तो आपको अब नाउ इट इज़ क्लियर कि आपको पता है कि जो हमारा एनर्जी बैंड गैप है दैट डिसाइड्स दैट मटेरियल विच विल कम इन विच कैटेगरी तो अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज़ डिस्टिंगशन बिटवीन मेटल्स इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी तो ये जो एनर्जी बैंड की बेसिस पर हम एक्सप्ल करते हैं कहलाता है बैंड थ्योरी तो बैंड थ्योरी की बेसिस पर जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले हमारे एक्सप्लेशन में हम स्टार्ट करेंगे मेटल से तो जो मेटल्स होते हैं यानी कि जो कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स में क्या होता है कि ये जो मैंने आपको डाइग्राम दिखाया है इस डायग्राम में सबसे पहला जो बैंड है ऑलरेडी इट इज़ शोन यर कि सबसे पहला जो बैंड है यानी कि वैलेंस बैंड तो उसके ऊपर आ रहा है ये यह यहाँ पर कंडक्शन बैंड तो जो वैलेंस बैंड है वो तो पता है आपको पहले फिलअप होना स्टार्ट होता है तो यहाँ वैलेंस बैंड क्या है कम्प्लीटली फिल्ड होता है हम इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो कंडक्शन बैंड है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि मेटल्स जो हैं उनके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हैं क्योंकि जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा वो फ्री हो जाएगा लेकिन बस इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में सेट करना पड़ता है जैसे आपने सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि मेटल्स जो हैं उनमें करंट इसलिए नहीं लगता है नॉर्मली क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं चल भी रहे हैं लेकिन आ, उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अलग अलग है रेंडम मोशन हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या होता है कि ये जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं और इसीलिए वो कंडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसका मतलब कि इनमें कैसा है दो चीज़ें आपको याद रखनी वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फ़िल्ड और कंडक्शन बैंड पार्शली फिल्ड उसके बाद क्या होता है कि इनका जो गैप है वो कितना होता है दो सिचुएशंस हैं एक सिचुएशन ये है कि या तो इनके बीच में बहुत स्मॉल गैप हो सकता है और दूसरी सिचुएशन ये होगी कि इनके बीच में जो गैप है वो लगभग लगभग डिसपियर हो जाता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं तो क्योंकि मेटल्स की कैटेगरी में बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं मेटल्स की कैटेगरी में थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स नोबल मेटल्स एल्किलाई एल्किलाई मेटल्स जो हैं वो सारे इस, इसी कैटेगरी में आते हैं और उसके अलावा भी कुछ दूसरे मटेरियल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है तो किस टाइप के मटेरियल का कैसा नेचर है तो उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि इनके बीच में थिकनेस स्मॉल होगी या फिर ओवरलैप करेंगे दोनों लेवल्स तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसके लिए सबसे पहले आपको मेटल्स की फर्स्ट कैटेगरी यानी कि स्मॉल गैप को स्टडी करना है तो यहाँ पर आप इसके बाद हेडिंग लिखेंगे कि आइदर देयर इज नो एनर्जी गैप नो को यहाँ कम चेंज कर लेंगे आप देयर इज वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड द पार्सली फिल्ड कंडक्शन बैंड तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत स्मॉल एनर्जी गैप है ओके आइदर इसलिए लिखा है कि नेक्स्ट सिचुएशन और यहाँ से स्टार्ट होगी तो पहली वाली सिचुएशन किस में पाई जाती है फिगर अभी मैं शो कर दूंगी आपको तो ये बैंड स्ट्रक्चर किन में मिलता है एल्कलाई मेटल्स में यू हैव यू कैन गिव द एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटेशियम नोबल मेटल्स में भी ऐसा ही मिलता है कॉपर सिल्वर गोल्ड एट्सेट्रा और थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम इन सभी में ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है वो डिसपियर हो जाए और दोनों बैंड्स ओवरलैप करने लगें बहुत प्रॉपर जो है वो कंडक्शन हो रहा है यानी कि वैलेंस से कंडक्शन में जाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए ऐसा स्ट्रक्चर किन में मिलता है ऐसा स्ट्रक्चर इन एलिमेंट्स में मिलता है बरेलीम मैग्नीशियम, जिंक एटसेट्रा तो इसमें क्या होता है कि वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है लेकिन जो अपर बैंड है अनऑक्युपाइड बैंड अनऑक्युपाइड बैंड का मतलब कि वो जो है वो अभी उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हैं लेकिन वो क्या करते हैं पार्टली ओवरलैप यानी कि एनर्जी रेंज जो चाहिए वो बहुत कम है तो सबसे पहले मैंने यहाँ दो डायग्राम्स ले रखे हैं मैं डायग्राम शो कर दे रही हूँ एंड सेकेंड थिंग इज़ वॉट कि आपको क्या करना है ये वाले डायग्राम्स बनाने नहीं हैं क्योंकि नाउ द वर्क इज़ गोइंग ऑन इन स्कूल ऑल्सो तो स्कूल में जो क्लास में कराया जा रहा है वर्क उसमें जो डायग्राम्स मैंने दिए हैं दैट डायग्राम यू हैव टू मेक तो दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट कमिंग टू स्कूल वो अरेंज अगर नहीं कर सकते हैं तो आई सेंड द पिक ऑफ दैट डायग्राम इन योर क्लास ग्रुप किसी एक कॉपी से या बुक से आई एल सेंड द पिक कि आपको कैसे करके डायग्राम बनाना है लेकिन ये जो डायग्राम है ये बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए लिया है तो देखिए पहले वाली जो सिचुएशन है वो इस तरह से है ये दो डायग्राम हैं मेटल्स के ये वाला डायग्राम है सेमीकंडक्टर का और ये डायग्राम है इंसुलेटर का तो अगर हम इसमें देखें तो पहले वाली सिचुएशन ये है ये कंडक्शन बैंड है आपका नीचे ये वैलेंस बैंड है और बीच में इतना एनर्जी गैप है इसको रेड कलर दिखाया है नीचे इसलिए क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड है कंडक्शन बैंड एम्प्टी है वाइट से दिखाया है इसके बीच की गैपिंग स्मॉल है एनर्जी गैप छोटा है या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं ये वाला जो रीजन है ये ओवरलैपिंग का है ओके इसी तरह से यहाँ भी यहाँ एक ही सिचुएशन दिखाई है बस ओवरलैपिंग वाली तो कभी कभी ये वाला डायग्राम ही बनाया जाता है लेकिन आपको बनाने दोनों हैं आपके सिलेबस में दोनों डायग्राम्स हैं तो यहाँ कंडक्शन और बैलेंस ओवरलैप कर रहे हैं इनके बीच का जो ओवरलैपिंग है वो इस रीजन से दिखाया है और अब आती है सेमी कंडक्टर की सिचुएशन तो सेमी कंडक्टर्स जैसा इस डायग्राम में या फिर इस डायग्राम में दिखाया गया है कि सेमी कंडक्टर्स के बीच की थिकनेस जो एनर्जी बैंड गैप है वो थोड़ा सा मेटल्स के कंपैरिजन में बड़ा होता है तो इतना यहाँ पे एनर्जी गैप है रेंज कितनी होती है रेंज होती है थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम अगर एनर्जी गैप है थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी चाहिए या उससे कम चाहिए वैलेंस से कंडक्शन में जम करने के लिए तो वो मटेरियल्स कहलाते हैं सेमी कंडक्टर्स तो यहाँ पर ऐसा डायग्राम बना सकते हैं या फिर ऐसा डायग्राम इसमें भी वैलेंस कम्प्लीटली फिल्ड होगा कंडक्शन एम होगा और थर्ड इंसुलेटर सब ऑटोमेटिकली आपको पता है कि इसमें गैप जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो सबसे ज़्यादा होता है Uh, दोनों के कंपैरिजन में मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स के तो यहाँ इतना बड़ा एनर्जी बैंड गैप दिखाया और लिखा भी है लार्ज डिफरेंस इन एनर्जीज बिटवीन द टू बैंड्स तो ये कहलाते हैं आपके इंसुलेटर्स कितना होता है इसमें होता है ग्रेटर देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी किसी भी सोर्स से देना डिफ़िकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन को उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है कि वो वैलेंस से कंडक्शन में जंप कर सके तो इसीलिए जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है तो फॉर एग्जांपल डायमंड जो है उसके उसका एनर्जी बैंड गैप सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो बहुत बड़ा एनर्जी बैंड गैप है तो इतनी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कभी नहीं मिल सकती है तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे अब इस एक्सप्लेशन के बाद में आपको क्या करना है यू हैव टू नोट डाउन आपको लिखना है कि कैसे करके आप इसको डेफिनेशन को लिखेंगे तो जैसा मैंने यहाँ दिखा रखा है यहाँ तक तो यहाँ तक आपका ऑलरेडी रिटर्न वर्क हो चुका है फिर देखिए सेकंड और द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स पार्टली ओवरलैप तो अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो बैंड स्ट्रक्चर पहले आप बता देंगे किस में मिलेगा यहाँ तक तो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है और जो कंडक्शन बैंड है वो एमप है जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शली फिल्ड है और इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड फिर आपका दूसरे टाइप के जो मटेरियल्स आते हैं वो हैं आपके सेमी कंडक्टर्स तो इसके नीचे लिखा है एक चीज़ और हाँ यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए रह गई है ये मेटल्स में ही आती है फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी तो फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल है एक ऐसा एनर्जी लेवल है जो बहुत हाई एनर्जी का लेवल जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है कौन से बैंड में पाया जाता है कंडक्शन बैंड में तो फर्मी लेवल मतलब कंडक्शन बैंड का हाईएस्ट लेवल वहाँ तक पहुँचना इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत मुश्किल है बहुत एनर्जी जिसके पास होगी वही पहुँचेगा और कितने टेम्परेचर पे एब्सल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे मतलब टेम्परेचर रेंज कम है लेकिन वो फर्मी लेवल तक पहुँच रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब उसके पास बहुत हाई एनर्जी है तो हाइएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड कंडक्शन बैंड का हाइएस्ट एनर्जी लेवल जो फिल्ड अप होता है इलेक्ट्रॉन से ले उसके पास इलेक्ट्रॉन है कितने टेम्परेचर पे आपसल्यूट जीरो पे तो दैट इज़ कॉल्ड फर्मी लेवल एंड द एनर्जी जितनी एनर्जी चाहिए फर्मी लेवल तक पहुंचने के लिए वो कहलाती है फर्मी एनर्जी ओके तो अब हम इसके बाद बात करेंगे इंसुलेटर्स की और सेमी की तो इंसुलेटर्स में जैसा मैंने आपको बताया है कि इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फ़िल्ड है कंडक्शन बैंड कैसा होगा एम्पटी लार्ज एनर्जी गैप होता है कितना ग्रेटर देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ड बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स किसके गेस में तो डायमंड का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ई जी सिंबल होता है एनर्जी आपका इट इज इक्वल टू सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ड तो इसके लिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप लगा दें तो वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तो इवन एन इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉट गिव दिस मच एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन टू मेक इट जम्प फ्रॉम द वैलेंस टू कंडक्शन बैंड ओके इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई पोटेंशियल भी उसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता सेमी कंडक्टर्स की बात करें तो सेमी कंडक्टर्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे इंसुलेटर होते हैं तो ऐट ज़ीरो कंडक्शन बैंड इज एम्पटी एंड द वैलेंस बैंड इज फिल्ड वैलेंस बैंड के पास इलेक्ट्रॉन है एनर्जी मिल जाए तो जम्प कर सकते हैं सो द मेटीरियल इज इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर आवर द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस वेलेंस बैंडेज स्मॉल कितना होता है तो यहाँ से जैसे लिखा है ग्रेटर देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इसका लेस देन थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो जैसे सिलिकन का कितना होगा वन पॉइंट वन सेवन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा है और जर्मेनियम का उससे भी कम है जीरो पॉइंट सेवन फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो रूम टेम्परेचर पर तो कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी थर्मल एनर्जी आ जाती है कि वो जम्प कर सकें लेकिन उसके बाद उसको मूव कराने के लिए कंडक्शन बैंड में मूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करनी होगी तो इसीलिए क्या होता है कि वो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी उनमें आ सकती है रूम टेम्परेचर पे क्योंकि वो जंप कर सकते हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड में तो ये आपका टॉपिक था आ, एनर्जी बैंड गैप की बेसिस पे बैंड थ्योरी की बेसिस पे जो आपके मटेरियल्स हैं उनका डिस्टिंक्शन थ्री कैटेगरीज में एक और टॉपिक है इसके बाद आपका मोबिलिटी मोबिलिटी वर्ड जो है वो मोबाइल से बना है तो आपको पता है मोबाइल मीन्स इन मोशन तो अगर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में हैं तो वो कह कहलाते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर तो इसी तरह से मोबिलिटी एक क्वांटिटी है कि किस चीज़ को मेज़र करने की क्वांटिटी है कि जो चार्ज कैरियर है वो कितना मोबाइल है या उस जो मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर है वो कितना कितनी उसकी कंडक्शन की कैपेसिटी है कितना कंडक्शन हो सकता है तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि चार्ज कैरियर्स कितने मोबाइल हैं तो मोबाइल से ही जो क्वांटिटी बनी है दैट इज़ मोबिलिटी तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर कोई चार्ज कैरियर कितना मोशन कर रहा है तो मोबिलिटी का फॉर्मूला जो है उसी उसी से इसकी डेफिनेशन बनेगी और मोबिलिटी आई होप कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा आपने पढ़ा है तो मोबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है क्योंकि चार्ज कैरियर मोशन में कब आते हैं जब उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो सपोज दैट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने लगाया तो चार्ज कैरियर जो रुका हुआ था वो एड्रेंडम मोशन में आ जाएगा तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो चार्ज कैरियर के पास इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है तो मोबिलिटी का फॉर्मूला जो है वो इसी बात पे डिपेंड करता है तो यहाँ लिखा है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय अ चार्ज कैरियर इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वही कहलाती है इसकी मोबिलिटी सिम्बल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ये बनाए हैं यू सिम्बल नहीं है मोबिलिटी का सिम्बल म्यू होता है ओके इस तरह से बनाना है तो अगर आप सेमी कंडक्टर के लिए रिलेशन लिखेंगे थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने लिखा था मेटल्स के लिए तो आप देख रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये जो सिंबल मैंने बनाया है ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ड्रिफ्ट वलॉसटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सिंबल आपको बनाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का तो ड्रिफ्ट फिलोसटी का सिम्बल आपको पता है वी के साथ में डी लगा होता है तो यहाँ वी डी लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड या नेक्स्ट लाइन में ड्रिफ्ट फलॉसटी वी डी इज इक्वल टू जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा म्यू तो वी डी इज इक्वल टू म्यू ई या नेक्स्ट लाइन में जब आप म्यू फाइंड करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई तो आपका ये फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का तो मोबिलिटी इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है आपकी मोबिलिटी अगर आप इसकी यूनिट लिखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी वोल्ट पर मीटर तो यहाँ तक जो है आपको स्टडी करना है आज उसके बाद ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर थोड़ा सा नोट वहाँ से हम कल से स्टार्ट करते हैं ओके okay? थैंक